गुड मॉर्निंग गाइस। सो आज हम लोग निकले हैं कुलधरा के लिए। कुलधरा जिसके बारे में हमने थोड़ा सा सुना था जैसलमेर आके, कि ऐसा विलेज जो रातों रात खाली हो गया था, वो क्या वजह थी, क्या था, वो अभी वहाँ जाके हम लोग देखेंगे, आसपास के लोगों से पूछने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली क्या थी हिस्ट्री उसके पीछे। लेकिन साथ ही से ये भी कहा जाता है कि एक हॉन्टेड प्लेस है। अब ऐसा भी बोला जाता है कि यहाँ के जितने मकान हैं वो सारे के सारे टूटे हुए हैं, रातों रात वो खंडर बन गया था गांव, तो वो अब हम देखने के लिए जा रहे हैं। और हमारी ये वीडियो पूरा आप देखेंगे कैसा रास्ता है और कैसा आगे गांव है, ये पूरा कवर हम करेंगे इस व्लॉग में। बाइक के 10 रुपये पर बंदा लेकिन आप सीधे चला रहे हैं, उसे तो 30 या 100 रुपये से 50 की बाइक के हैं। खबर क्या खासियत है यहाँ की? पानी पानी
के अनुसार कुलधरा पालीवाल ब्राह्मणों का एक प्राचीन गांव था। पाली के क्षेत्र में थे उन्होंने कुलधरा के चारों ओर राष्ट्रीय गांव का निर्माण किया तथा फिर जैसलमेर राज्य के लिए शक्तिशाली मंत्री शरीफ सिंह के उत्पीड़न और भूकंप और सूखा जैसे कारणों की वजह से उन्हें संतों रात गाँव छोड़ना पड़ा। 19वीं शताब्दी के शुरुआती दिनों से गाँव वीरान तो यहाँ पे इसका ये पूरा मैपिंग किया हुआ है कैसे कैसे कितने एरिया में पूरा गांव फैला हुआ है और आई गेस कहाँ तो देखो ये है पूरा कुलधरा विलेज।
चल रही थी ना वीडियो। सो ये था आपका कुलधरा विलेज। जैसे कि कहते हैं कि हॉन्टेड प्लेस है, एज सच तो ऐसा कुछ नहीं है, दिन में तो कुछ नहीं है, हो सकता है रात में कुछ हो सकता है, बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई एक लोकेशन ऐसी है अगर जिसके बारे में हिस्ट्री कुछ जुड़ी हुई है तो उस एरिया को जरूर विजिट कीजिए। अपनी हिस्ट्री के बारे में देखना बहुत जरूरी है, जानना बहुत जरूरी है। जिन्होंने पास्ट में स्ट्रगल किया तभी तो आज हम प्रेजेंट में जितना। डोंट अंडर एस्टिमेट योर हिस्ट्री एंड टेक केयर। एंड ये मेरी प्रेजेंस थी, ये मेरी एक प्रेजेंटेशन थी कुलधरा विलेज की। आई होप यू गाइस लाइक इट। सो सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग।